सोचो, जिंदगी जीने का ऐसा तरीका सीख लो कि हर दिन एक मास्टरपीस लगे। सोचो, हर सुबह पर्पस के साथ उठो, मुश्किलों का सामना ग्रेस के साथ करो और दिन का अंत ग्रैटिट्यूड से भरे दिल के साथ करो। सैरा अपने हाई राइज अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की रोशनी एक शिमरिंग एनोनिमिटी के समुद्र में मिल रही थी। ट्रैफिक की कांस्टेंट हम उसकी लाइफ की रिलेंटलेस पेस को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उसके पास एक सक्सेसफुल करियर थी, एक मॉडर्न अपार्टमेंट था और वो सारी सुख सुविधाएं थीं जो कोई चाह सकता है। फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। सैरा एस सैरा, मुझे अपने बचपन के केयरफ्री दिन याद आते हैं जो अपनी दादी माँ के बगीचे में खेलते हुए बीतते थे। हवा में चमेली की खुशबू होती थी। तब जिंदगी सिंपल थी, हंसी से भरी थी और लव्ड वंस और नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन था। सैराज इनर वॉइस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ते में मैं अपनी राह भटक गई हूं, एम्बिशन और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के चक्रव्यूह में फंस गई हूं। एक बरसाती दोपहर एक क्वेंट बुक स्टोर में ब्राउज करते हुए सैरा को द आर्ट ऑफ लिविंग नाम की एक किताब दिखाई दी। इंट्रीग्ड होकर उसने किताब खरीद ली, इस उम्मीद में कि यह उसके इनर टर्मोइल से कुछ सोलेस देगी। उसे क्या पता था कि यह किताब उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। सैरा एस सैरा, जैसे ही मैंने किताब के पन्नों में डेल्व किया, मुझे विजडम का खजाना मिल गया। लेखक ने लाइफ को एक कैनवस की तरह बताया और हर दिन को एक मास्टरपीस बनाने का अवसर बताया। उन्होंने इनर पीस कल्टीवेट करने, लविंग रिलेशनशिप्स नर्चर करने और चैलेंजेस को रेजिलियंस और ग्रेस के साथ अप्रोच करने के महत्व पर जोर दिया। सैराज इनर वॉइस शब्द मेरे साथ डीपली रेजोनेट हुए, मेरे भीतर आशा की एक चिंगारी जगाई। सैरा ने जो की प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए उनमें से एक था माइंडफुलनेस की शक्ति। माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट पर बिना जजमेंट के ध्यान देने का प्रैक्टिस है। यह हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस के बारे में अवेयर होने के बारे में है, उनके द्वारा बह जाने के बिना। सैरा ने अपने डेली लाइफ में माइंडफुलनेस को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, खाना खाते समय अपनी सेंसेस पर ध्यान देना और नेचर में माइंडफुल वॉक्स लेना। उसने पाया कि कुछ मिनट की कॉन्शियस ब्रीदिंग ने भी उसके रेसिंग थॉट्स को शांत करने में मदद की और उसके दिन में स्टिलनेस का एहसास दिलाया। एक और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस जिसे सैरा ने अपनाया वह थी ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करना। ग्रैटिट्यूड, उसने सीखा, हमारे पास जो नहीं है उससे अपना ध्यान हटाकर हमारे पास जो है उस पर केंद्रित करने के बारे में है। यह लाइफ की सिंपल जॉयज, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं और हमारे आसपास मौजूद अपॉर्चुनिटीज की सराहना करने के बारे में है। मैंने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर दिन उन तीन चीजों को लिखना अपनी आदत बना ली जिनके लिए मैं ग्रेटफुल थी। मैंने दूसरों के प्रति अपनी सराहना अधिक फ्रीली एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, थैंक यू नोट्स लिखना और अजनबियों की दयालुता को एक्नॉलेज करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ग्रैटिट्यूड पर ध्यान केंद्रित किया, सैरा ने अपने पर्सपेक्टिव में एक बदलाव देखा। उसकी प्रॉब्लम्स कम डॉन्टिंग लगने लगी और उसने ऑप्टिमिज्म और जॉय की एक नई भावना महसूस की। द आर्ट ऑफ लिविंग, सैरा को एहसास हुआ, केवल हमारे पर्सनल प्रैक्टिसेस से परे नहीं है बल्कि यह दूसरों के साथ हमारे इंटरैक्शंस तक फैला हुआ है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। हमारे पर्सनल प्रैक्टिसेस से परे दूसरों के साथ हमारे इंटरैक्शंस तक फैला हुआ है। यह समझना कि हर इंटरैक्शन एक अवसर है सीखने और बढ़ने का, इसका एक क्रूशल एस्पेक्ट है सुनने की कला में महारत हासिल करना। सुनने की कला केवल सुनने तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक गहरी समझ और कनेक्शन बनाने का माध्यम है। ट्रू लिसनिंग, उसने सीखा, केवल उन शब्दों को सुनने के बारे में नहीं है जो कोई बोलता है बल्कि उनके पीछे की भावनाओं और विचारों को समझने के बारे में है। केवल उन शब्दों को सुनने के बारे में नहीं है जो कोई बोलता है बल्कि वास्तव में उनके पर्सपेक्टिव को समझने और उनके एक्सपीरियंसेस के साथ एम्पथाइज करने के बारे में है। यह एक ऐसा कौशल है जो समय और अभ्यास के साथ विकसित होता है। मैंने एक बेहतर श्रोता बनने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट किया। मैंने महसूस किया कि सुनने की कला में महारत हासिल करने के लिए मुझे अपने ईगो को एक तरफ रखना होगा।
मैंने दूसरों के बोलते समय अपने थॉट्स और जजमेंट्स को एक तरफ रखने का अभ्यास किया और उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश की, इसके बजाय उनके मैसेज को वास्तव में समझने पर ध्यान केंद्रित किया। ये एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मेरे संबंधों में सुधार हुआ। मैंने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि मैं सही समझ रहा हूं। जो मैंने सुना उसे रिफ्लेक्ट किया और यह सुनिश्चित किया कि मैं पूरी तरह से उपस्थित हूं, और बिना फिक्स या एडवाइस करने की कोशिश किए सपोर्ट की पेशकश की। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने मेरे इंटरैक्शंस को और भी अधिक प्रभावी बना दिया। जैसे जैसे उसने अपने लिसनिंग स्किल्स को निखारा, उसने पाया कि उसके रिलेशनशिप्स गहरे और अधिक मीनिंगफुल होते जा रहे हैं। यह एक यात्रा थी जिसने उसे अपने और दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। सैरा ने पाया कि उसके रिलेशनशिप्स गहरे और अधिक मीनिंगफुल होते जा रहे हैं। उसने महसूस किया कि सुनने की कला ने उसके जीवन को समृद्ध बना दिया है, और यह एक ऐसा कौशल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। द आर्ट ऑफ लिविंग में महारत हासिल करने की अपनी खोज में सैरा ने सेल्फ केयर के महत्व को खोजा। सैरा, मैंने सीखा कि अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखना सेल्फिश नहीं था, बल्कि आप जानते हैं, एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एसेंशियल था। सैरा ने उन एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया जो उसकी सोल को पोषित करती थी। सैरा, मैंने रेगुलरली योग और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे अपने शरीर से कनेक्ट होने और इनर पीस पाने में मदद मिली। उसने अपने पसंद के हॉबीज के लिए समय निकाला, जैसे पेंटिंग और गार्डनिंग, जो उसे जॉय देते थे और उसकी क्रिएटिव स्पिरिट को फ्लरिश होने देते थे। सैरा, मैंने यह समझते हुए कि मेरी वेलबीइंग इस पर निर्भर करती है, स्लीप को प्रायोरिटाइज करना, पौष्टिक भोजन करना और नेचर में समय बिताना भी सुनिश्चित किया। सेक्शन 9, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना। जैसे जैसे सैरा द आर्ट ऑफ लिविंग में और गहराई से उतरती गई, उसने महसूस किया कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के हमारे ओवरऑल वेलबीइंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये रिश्ते न केवल हमें खुशी देते हैं, बल्कि हमें कठिन समय में सहारा भी देते हैं। उसने समझा कि फैमिली, फ्रेंड्स और उसके कम्युनिटी के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए आवश्यक था। ये रिश्ते हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और पर्पस प्रदान करते हैं। सैरा, मैंने अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय और ऊर्जा निवेश करना जरूरी है। दोस्तों के साथ कॉफी डेट्स के लिए, फैमिली डिनर्स के लिए और अपने कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग के लिए नियमित रूप से समय निर्धारित करना प्राथमिकता बन गई। ये छोटे छोटे पल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। फ्रेंड सैरा को फॉरगिवनेस और कंपैशन का अभ्यास करते देखना बहुत अच्छा था। उसने सीखा कि माफी और दया हमारे रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाते हैं। वह समझ गई थी कि हर कोई गलतियां करता है और यह कि रिलेशनशिप समझ और एम्पैथी पर पनपते हैं। ये गुण हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और हमारे रिश्तों को टिकाऊ बनाते हैं। सैरा के इन कनेक्शंस को बनाने और बनाए रखने के प्रयासों ने उसके जीवन में खुशी और संतुष्टि का एक नया स्तर ला दिया। उसने महसूस किया कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हमारे जीवन को समृद्ध और पूर्ण बनाते हैं। सेक्शन 10, पर्पस और पैशन खोजना। सैरा के सफर के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स में से एक था अपने पर्पस को डिस्कवर करना और अपने पैशंस को आगे बढ़ाना। उसने महसूस किया कि पर्पस और पैशन का पता लगाना एक जर्नी है जो सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ फुलफिलमेंट की ओर ले जाती है। उसने महसूस किया कि लाइफ केवल एग्जिस्टिंग से कहीं अधिक है। यह एक डिफरेंस बनाने, अपने ड्रीम्स का पीछा करने और अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड लाइफ जीने के बारे में है। सैरा ने समझा कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करना और अपने वैल्यूज के साथ जीना ही असली मीनिंग ऑफ लाइफ है। सैरा, मुझे हमेशा से पेंट करना बहुत पसंद था, लेकिन मैंने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आर्टिस्टिक एस्पिरेशंस को एक तरफ रख दिया था। मैंने अपने पैशन को दबा दिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि इसे फिर से जगाना कितना जरूरी है। आर्टफुली जीने की अपनी नई समझ से प्रेरित होकर मैंने फिर से अपने पैशन के लिए समय निकालने का फैसला किया। मैंने अपने डेली रूटीन में आर्ट को शामिल किया और इसे अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। मैं एक आर्ट क्लास में शामिल हो गई, अपने अपार्टमेंट में एक स्टूडियो स्थापित किया
और अपनी क्रिएटिविटी को कैनवस पर स्वतंत्र रूप से बहने दिया। यह स्टूडियो मेरे लिए एक सैंक्चुअरी बन गया जहां मैं अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती थी। सेरा ने जो खुशी और फुलफिलमेंट का अनुभव किया उसने उसे अपने पैशंस का सम्मान करने के महत्व की याद दिला दी। उसने महसूस किया कि जब हम अपने ट्रू पैशंस को एम्ब्रेस करते हैं तो हम अपने जीवन में एक डीप सेंस ऑफ जॉय और सेटिस्फैक्शन पाते हैं। सेक्शन 11, जर्नी को अपनाना। जैसे जैसे सेरा ने आर्टफुली जीने के प्रिंसिपल्स का अभ्यास जारी रखा उसने महसूस किया कि लाइफ एक फाइनल डेस्टिनेशन हासिल करने के बारे में नहीं है बल्कि जर्नी को ही एम्ब्रेस करने के बारे में है। उसने एवरीडे मोमेंट्स में खुशी खोजना, ऑर्डिनरी में सुंदरता की सराहना करना और चैलेंजेस को रेजिलियंस और ग्रेस के साथ अप्रोच करना सीख लिया। वह समझ गई कि लाइफ उतार चढ़ाव से भरी है और यह कि हम उन चैलेंजेस को कैसे नेविगेट करते हैं यही वास्तव में हमें डिफाइन करता है। सेरा ने कंट्रोल की आवश्यकता को जाने देना, अननोन को एम्ब्रेस करना और यह ट्रस्ट करना सीख लिया कि लाइफ अपने परफेक्ट टाइमिंग में अनफोल्ड होती है। सेक्शन 12, आपका मास्टरपीस इंतजार कर रहा है, द आर्ट ऑफ लिविंग। जैसा कि सेरा ने खोजा, सीखने, ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी की लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यह हर दिन को इंटेंशन के साथ अप्रोच करने, अपने दिलों में प्यार और कंपैशन को कल्टीवेट करने और एक ऐसी लाइफ बनाने का प्रयास करने के बारे में है जो मीनिंगफुल और फुलफिलिंग दोनों हो। यात्रा एक कदम से शुरू होती है, एक कॉन्शियस चॉइस के साथ कि हम अधिक माइंडफुली जिएं, ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करें, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करें और अपने पैशंस को दिल और जान से आगे बढ़ाएं। आपकी लाइफ का कैनवस इंतजार कर रहा है, आप कौन सा मास्टरपीस बनाएंगे?